हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर नगर निगम में सफाई भर्ती में हुई धांधली का आरोप लगाते हुए वाल्मीकि समाज के लोगों का लगातार मंगलवार को दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। इन लोगों ने आज कलेक्ट्रेट के बाहर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नारेबाजी कर प्रदर्शन किया, साथ ही जिला प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। जोधपुर नगर निगम में सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए मंगलवार को भी कलेक्ट्रेट के बाहर वाल्मीकि समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। वाल्मीकि समाज के नरेश कंडारा ने बताया कि निगम ने भर्ती प्रक्रिया में जमकर धांधली की है। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से संविदा पर काम करने वाली महिला कर्मचारी लॉटरी में सफल नहीं हो पाई। बता दें कि रविवार को नगर निगम में लिस्ट जारी होने के साथ आरोप लगने शुरू हो गए थे, जिसके चलते एक युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया था। मंगलवार को एक बार फिर सुबह ये लोग कलेक्ट्रेट में जमा हुए और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन लोगों ने वहां नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट के बाहर प्रवेश द्वार पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का पुतला फूंका। प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट पर पुलिस बल लगाया गया। समाज की महिलाओं और पुरुषों ने इस भर्ती को लेकर धांधली की बात कही है। उनका कहना है कि बरसों से वे सफाई कार्यों में लगे हैं और ठेके पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन निगम प्रशासन ने सफाई कर्मियों की लिस्ट में उन्हें नहीं लिया है। इस पर कई परिवार खफा हो गए और विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।